हेलो दोस्तों, किदा तो सारे आई होप तो सारे वधिया होंगे। तो स्वागत है अज का एक नई वीडियो के। अज की वीडियो इतिहास से रिलेटिड है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखियो। तो इस वीडियो आप गल करा शहीदी हफ्ते के बारे। जिदा कि तुम सारे पता है कि शहीदी हफ्ता चल रहा है, तो पर अपने जिहड़े हुण दे बच्चे ने बट उन्होंने ये इतिहास बारे नहीं पता है, तो यह वीडियो उन्होंने जरूर दिखायो ताकि उन्होंने भी इतिहास बारे पता लगे। तो चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिदा कि तुम्हें पता है शहीदी हफ्ते की जी डेट्स ने वो 20 दिसंबर तो लैके 27 दिसंबर तक दिया ने। तो चलो आप 20 दिसंबर तो 27 दिसंबर तक तुम्हें तो डेट बाय डेट दसते रहेंगे। तो 20 दिसंबर तो आप स्टार्ट करते हैं, जितों कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने ते उन्होंने माता गुजरी जी ने ते छोटे साहबजादे ते वड्डे साहबजादे ने जब आनंदपुर साहब का किला छड़िया, तो जिहड़े माता जी सीगे माता जी ने ते छोटे साहबजादे ने माता जी ने ते छोटे साहबजादे ने कुम्मे मस्की की झुग्गी दे विच वो रहे सीगे, रात कट्टी सी उन्होंने उत्थे। ते जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी सीगे ते वड्डे साहबजादे सी उन्होंने कोटला निहंग दे नाल रात कट्टी सी। तां इही सीगी अपनी 20 दिसंबर की गल। तां इस तों बाद आपां गल करदे आ 21 दिसंबर की, जदों कि 20 दिसंबर की रात नूं माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादे कुम्मे मस्की की मीनज़ कुम्मे मस्की की झुग्गी दे विच रहे सी। तां उहदे विच उन्होंने रात कट्टी। तो उस तो बाद जब आप अगले दिन की गल करते हैं 21 दिसंबर में, तो जो तो गुरु साहब जी के बड़े जोड़े साहबजादे से वो 21 दिसंबर में चमकौर की गढ़ी जिन्होंने आप कह दें मीनस चमकौर साहब उत्थे वो पहुँचे से। तो इस तो बाद जोड़े माता गुजरी जी से छोटे साहबजादे से जी गंगू ब्राह्मण से वह अपने पिंड माता गुजरी नी जी ने छोटे साहबजाद अपने पिंड लै गए थे। जिथे कि खेड़ी है पिंड, थोड़े नाम सुने ही होना खेड़ी पिंड, वो अपने माता गुजरी जी ने छोटे साहबजाद लै गए थे। तो उत्थे बग गए थे, उत्थे जाके रहन लग गए। तो उत्थे जब 22 दिसंबर में चमकौर की गढ़ी की फाइट सी, जो चमकौर की लड़ाई सी चमकौर की वह स्टार्ट हो गई, तो जिस दे विच अजीत सिंह ते जुझार सिंह, जिस दे विच अजीत सिंह ते जुझार सिंह जो कि वड्डे साहबजादे ने, तो अजीत सिंह की उम्र 17 साल सी जो कि बहुत ही घट उम्र सी। ते जिहड़े जुझार सिंह जी सी उन्हां दी उम्र होर भी ज़्यादा घट सी, उन्हां दी उम्र 14 साल की सी। ते तुसीं आप ही सोच सकते हो किन्ने ज़्यादा वह बच्चे मीनस आपां बच्चे नहीं कह सकते मीनस कि अपने तो वड्डे ही सी, ते वह किन्ने ज़्यादा दलेर सी कि उन्होंने एक बार भी नहीं डरे या कुछ, तो सीधा ही चमकौर की फाइट के आए। तो चमकौर की गढ़ी की लड़ाई हुई, तो जो 22 दिसंबर में दानी खान ते कहिंदे ने दानी खान ते मनी खान से जो मीनस औरंगजेब के भेजे हुए सिपाही कह लो, तो उन्होंने की किया उन्होंने माता गुजरी जी ने उतों अरैसट करने लिए भेजा, मीनस उन्होंने उतों की अरैसट करने लिए भेजा। तो उन्होंने उतों की अरैसट करके वह अपने उत्थे लेके गए औरंगजेब दे। उस तो बाद जब औरंगजेब ने उन्होंने अरैसट करवा के गंगू ब्राह्मण के घरों उन्होंने अरैसट कर लिया गया, गंगू ब्राह्मण के घरों, तो गंगू ब्राह्मण के घरों अरैसट करने तो बाद जब उन्होंने उत्थे ले जाया गया। तो इस तो बाद आप गल करते 23 दिसंबर की, तो 23 दिसंबर में गुरु गोबिंद सिंह जी से जो तो उन्होंने सिंघा ने मीनस उन्होंने सिंह से जो उन्होंने हुक्म ने उन्होंने सिंघा ने उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी तुम इस लड़ाई के ना रहो, इस भी तुम उरों चले जाओ, भी कृपा करके तुम उरों चले जाओ, तो असी इस लड़ाई में संभाल लाँगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिंघा के मीनस हुक्म टाल नहीं सके एक ढंग, तो वह उतों की चले गए। तो उतों की सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी चले गए, तो सिंघा ने वह लड़ाई की। तो उस तो बाद जब 23 दिसंबर में ही रात को गुरु गोबिंद सिंह जी ने माछीवाड़े के जंगलों के जिसका तुम नाम सुने होगा, माछीवाड़ा के जंगलों में रात कट्टी, तो माता गुजरी जी ने ते छोटे साहबजाद ने जितों की उन्होंने अरैसट कर लिया गया। तो उन्होंने अरैसट करन तो बाद उन्होंने ठंडे बुरज के उन्होंने उत्थे कैद कर लिया गया। तो उन्होंने उत्थे ही रात कट्टी ठंडे बुरज के, ते ठंडे बुरज के रात कट्टी उन्होंने। तो उस तो बाद मीनस 24 ते 25 दिसंबर जिसका कि आपां नूं मेन पता है कि 24, 25, 26 जिन्हां नूं आपां कहिंदे आ मेन दिन, तो 24, 25, 26, 27 मीनस वैसे तो सारा हफ्ता ही मेन हुंदा है, पर इन्हां ते इन्हां दी हिस्टरी ज़्यादा वह जरूरी है। तो जिदा कि 24 तरीक तो 25 तरीक है, तो इस 2 दिन जब उन्होंने उत्थे ठंडे बुरज के लिया गया, तो ठंडे बुरज के लिया तो बाद
ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਮੀਨਜ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਉਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ 24 ਅਤੇ 25 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਜ਼ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਰ ਗਏ, ਮੀਨਜ਼ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਗਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 27 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਣੇ ਹੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਢੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਢੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿਛਾਏ ਸੀ ਸਿੱਧੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਿੱਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪਲੇਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੀਨਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਨਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।